हदारो मारे दे। नमस्कार, भारतीय विद्या भवन इंफोसिस कल्चरल आउटरीच प्रोग्राम की 65वीं कड़ी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, भारतीय विद्या भवन इंफोसिस फाउंडेशन अपने इस प्रोग्राम में राजस्थान के उन कलाकारों को, उन कलाओं को आपके सामने लाता है जो धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। बहुत पहले बॉलीवुड में एक गाना बड़ा हिट हुआ, ढोली थारो ढोल बाजे। युवा पीढ़ी की एक बहुत बड़ी क्वेरी थी इस बात को लेकर, किसका ढोल बजे? ढोली का ढोल बजे, तो ये ढोली कौन है, क्यों ढोल बजे, वो कौन कौन से मौके हैं जिनके ऊपर ये ढोल बजाया जाता है या कुछ कहा जाता है या गाया जाता है। आपके इन सारे सवालों का जवाब हमारे इस एपिसोड में आपको मिलने वाला है। एक बहुत बड़ा समाज है जो ढोल पर, परिवार में और समाज में जितने भी मंगल कार्य होते हैं उनमें, घर घर में जाकर मंगल गीत, मंगल कामनाओं के साथ में गाते हैं। वहां से ये बात शुरू हुई कि ढोली थारो ढोल बाजे, और उस ढोल के ऊपर उस घर में, परिवार में, समाज में खुशियां ही खुशियां निकलती हैं, फैलती हैं। आज हमारी इसी परंपरा के कुछ गीतों को मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मेरे साथ में लोक कलाकारों का एक दल है, ये वो महिलाओं का दल है जो किसी बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर शायद परफॉर्म नहीं कर पाया, लेकिन हमारी संस्कृति सभ्यता को हजारों हजारों वर्षों से इन लोगों ने और इनके पूर्वजों ने संभाल के रखा है, और ये गीत अब भी समाज के अंदर यदाकदा सुनाई पड़ते हैं। बहुत अफसोस होता है जब न्यूक्लियर फैमिली के अंदर किसी शादी या कोई और मेहंदी जैसी रस्म हो, शादी का फंक्शन हो, तो गीत गाने वाले लोगों की कमी है, और इनफैक्ट गीतों की भी कमी है, वो गीत जाने कहाँ चले गए। तो मजबूरी में हम फिल्मी गानों के ऊपर कुछ रस्मी तौर पर गा बजा के उन रस्मों को पूरा करते हैं। हमारे समृद्ध समाज में ऐसा नहीं था। मैं मेरे युवा दर्शकों को, मेरे युवा साथियों को आज उन्हीं गीतों से और उन गीतों के माधुर्य से आपको मिलाने वाला हूं। तो लीजिए, ढोल बाजे इस कार्यक्रम का हम शुभारंभ करते हैं गणेश वंदना के साथ में, और उसके साथ में ही एक मंगल गीत के साथ। मकरतुंड महाकाल जो चावे
नजरी लायो ये से शुरुआत हुई है हमारे इस कार्यक्रम की। आज पूरी दुनिया जब कोविड के खतरे का सामना कर रही है, ऐसे में कोई मंगल गीत कितना अच्छा और मधुर लग सकता है, आप लोगों ने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना है। आइए जीवन के इस क्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और इसको लेकर चलते हैं। जब कोई सगाई हो रही होती है तो सगाई में हमारे संस्कृति में ऐसा है, बहुत लंबे समय से हम लोग इस तरह के गीत गाते हैं जो बहुत साफ सुथरा मैसेज देते हैं, एंटी डाउरी, दहेज न लिया जाए न दिया जाए। तो सगाई की रस्म कैसे हो रही है, एक रुपया और नारियल में। तो लीजिए रुपया नारियल और सगाई के गीत का आनंद लिया जाए। रुपया नारे डारी गो Hey!
आपने मजा लिया। लोक गायकी में एक बड़ी खास बात है, घर घर से महिलाओं को इकट्ठा किया जाता था और उनको एक गाने जुबानी कंठस्थ याद भी रहते थे, लेकिन कभी कभी कोई कोई महिला गीत गाने से मना कर देती थी। काकी आज हमारे यहाँ गीतों का प्रोग्राम है, तुम आओ ना, चलो ना। नहीं राम, मैं नहीं गाऊंगी। क्यों काकी, क्या हुआ? कि देखो मेरी उंगली पर चोट लगी है। अरे काकी, गीत उंगली से गाया जाता है या मुंह से गाया जाता है? तो काकी बड़ी अदा से कहती है कि अरे उंगली को जब तक मैं यूं चेहरे में नहीं लगाऊं तब तक सुर ताल और लय बैठती नहीं। आपने अभी देखा इस गीत में गायिका कितनी खूबसूरती के साथ में अपनी उंगली चेहरे पर लगाती है और गीत गाती है। लीजिए, अब सगाई के बाद में जब मेहंदी की रस्म अदा की जानी होती है घर में, तो बड़ा टोटा होता है और हम सिनेमा की तरफ जाते हैं, जबकि हमारी संस्कृति में बहुत मधुर, बड़े अच्छे और सुंदर गीत हैं। मेहंदी के गीत का आनंद लिया जाए। I'm
दोस्तों, शादी में फेरों की एक रस्म होती है जिसमें आमतौर पर देखा जाता है कि दूल्हा दुल्हन दोनों के माता पिता और एक अदद पंडित, बस लगता है इन्हीं लोगों का काम है। शादी के हर फेरे का बड़ा महत्व है और वो गीतों के माध्यम से हमारे लोक कलाकार रजनी देवी और उनके जो साथी कलाकार, ये जो टीम आई हुई है, वो आपको सुनाते हैं। इसमें एक एक फेरे का महत्व और एक एक फेरे के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। भाषा समझ में आना न समझ में आना एक समस्या हो सकती है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि जिस इंटेंस के साथ में, जिस माधुर्य के साथ में कलाकार अपनी भावनाओं को कह रहा है, हमारे दर्शक सारी बातों को समझेंगे। फेरे हो गए, विवाह हो गया, अब एक बहुत कठिन समय आ रहा है परिवार पर, जब बरसों से नाजों से पाली हुई बिटिया को एक पिता विदा करता है। तो लीजिए विदा विरह का गीत, कितने प्रेम और स्नेह के साथ गाया जा सकता है कि उसमें पूरा विरह करुण रस है पोइट्री के माध्यम से।
राजस्थान में आदिकाल से विवाह को एक बहुत वीरता पूर्ण कार्य माना गया है, क्योंकि बहुत पुराने समय में जब बहुत दूर दूर गांव होते थे, कानून व्यवस्थाओं में कुछ परेशानी रहती थी, तो डाकुओं का बड़ा आतंक रहता था। ऐसे समय में जब दूल्हा दुल्हन को लेकर आता है या दूल्हा दुल्हन को लेने के लिए जाता है तो डाकुओं की तो मौज बनाती है, उनको ध्यान है, बहुत सारे गहने होंगे, औरतों ने बहुत सारे गहने पहने होंगे, लोगों के पास में बहुत सारे गहने होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ सजने संवरने का शौक जैसा महिलाओं को है वैसा का वैसा पुरुषों को भी रहा है। तो इस विवाह को
एक तरह का युद्ध माना गया है हमारे लोक गीतों में, और पूरे परिवार के उन लोगों का नाम ले लेके उन लोगों के रिश्ते को बयान किया जाता है कि दूल्हा ये युद्ध जीत कर आया है अपने दादाजी की मदद से, अपने पिताजी की मदद से, अपने चाचा जी की मदद से, अपने फूफासा की मदद से, अपने मामा जी की मदद से, यानी हर रिश्ते को उतना ही महत्व दिया गया है सामाजिक बॉन्डिंग में। इन गीतों का कितना खूबसूरत योगदान है, आप खुद सुनिए और महसूस कीजिए। खुशी एक जीवन शुरू हुआ, सगाई हुई, शादी की रस्में हुई, फेरे हुए, विदाई हुई, दुल्हन ससुराल आई, जीवन का चक्र आगे चल रहा है दोस्तों। सुबह हुई और सुबह में हमारे यहां नई दुल्हन को लाडीसा कहा जाता है, और कुछ कुछ जगह तो ये रिवाज है कि जो दुल्हन ससुराल में आई है वो अगर इकलौती है तो वो मृत्यु पर्यंत लाडीसा के संबोधन से ही जानी जाती है, उनके लिए और कुछ बोलने की जरूरत नहीं। तो देखिए इन लाडीसा को, इनके परिवार को सुबह जगाने के लिए भगवान राम को राजा राम रूप में स्तुति करके सब लोगों को जगाया जा रहा है।
दोस्तों, सृष्टि चक्र आगे बढ़ रहा है और लगभग अपनी एक परिक्रमा पूरी करने में है। जीवन का क्रम और आगे चलता है और उन लाडी सा की कोख से इक्षुकुमार बालक या बालिका जन्म लेती है। हमारी लोक परंपरा में, लोक गीतों में दोनों ही का उतना ही महत्व है, बालक हो या बालिका हो। अब वो बच्चा रोता है, अटखेलियां करता है, जाग जाता है, सोता नहीं है, उसको लुभाने के लिए क्या क्या यत्न किए जाते हैं गीतों के माध्यम से, एक गीत मैं आपको और सुनाना चाहता हूँ। देखा आपने, बच्चे के दादा से लेकर उसके पिता से लेकर उसके जितने रिश्तेदार हैं वो बाजार से
नाना प्रकार के खिलौने लाए हैं, मिठाइयाँ लाए हैं, तब कहीं जाकर नन्हा बालक चुप होता है। ये सुरों का सुरीला क्रम जीवन की तरह से जीवन के साथ यूं ही चलता रहेगा। दोस्तों, इससे पहले कि मैं जाऊं, एक बहुत ही मधुर सा गीत, उसकी एक लाइन आपको सुनवाना चाहता हूं, जो बहुत अमर गीत है, जिससे हमारे राजस्थान की पहचान है, वो आपको सुनाकर। सर कटा सुधड़ लड़े या शान है राजस्थान री, और सारी दुनिया कह रही या धरती है बलिदान री, हो केसरिया ओ बा एपिसोड को अब यहाँ समाप्त करना होगा। समय की अपनी एक सीमा है। ये सुरीला सफ़र रजनी देवी और उनके साथियों ने, लोक कलाकारों ने बहुत खूबसूरती से सजाया। मुझे पूरी आशा है, उम्मीद है आप सब लोगों को बहुत बहुत पसंद आया होगा। रजनी देवी और उनके साथी कलाकारों का बहुत बहुत आभार। इंफोसिस फाउंडेशन की सुधा मूर्ति जी का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने अननोन कलाकारों को मंच देने के लिए ये इतना बड़ा एक कार्यक्रम चलाया, जिसे हम देश के 12 राज्यों में निर्विघ्न चला रहे हैं। भारतीय विद्या भवन के इस कार्यक्रम की चैप्टर पर्सन आशा जी गोलचा का बहुत बहुत आभार, और भारतीय विद्या भवन जयपुर केंद्र के डायरेक्टर कैप्टन बीसी कुमार साहब का बहुत बहुत आभार, आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार जो इतने मनोयोग से इस कार्यक्रम को देखते हैं। और हाँ, जाने से पहले ध्यान रखिएगा, कोविड दुनिया से खत्म नहीं हुआ है, मास्क आपके स्वस्थ रहने की गारंटी है, और 6 फीट की दूरी बनाए रखें तो गारंटी सचमुच में गारंटी है। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, इसी मंगल कामना के साथ नमस्कार।